अस्सलामु अलैकुम, मैं आपकी होस्ट शीबा गिल। आज फिर हम एक प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, और जैसा कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम है स्टार्स ऑफ LCCI। तो LCCI के एक बड़े पायनियर मेंबर, वी आर वेरी ओब्लाइज टू हैव हिम ऑन द शो। और डेफिनेटली आज हम उनसे बातें करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, और देखते हैं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं पायनियर्स में हैं और शाइनिंग स्टार रहे हैं, नॉट ओनली फॉर LCCI बट फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल। तो बड़े रिनाउंड सी पर्सनैलिटी हैं गवर्नमेंट को, और बहुत से इंपॉर्टेंट फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और बहुत सा काम किया उन्होंने फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ LCCI एंड बिजनेस कम्युनिटी। जी, तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको डेफिनेटली आज के मेहमान से मिलवाते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं तारिक हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम ऑन द शो। Thank you very much for inviting me, ji. So it's immense pleasure to have you over on the show. Or definitely, आप किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। आपने जितना represent किया business community को और जितना represent किया आपने government sectors को, definitely आपकी जितनी भी काविशें रही हैं, definitely we are gonna share with our viewers tonight. और सर, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपका LCCI का सफर कैसा रहा? आप गालबन 1989 में with the president, that was like very... हाँ, मैं इनफैक्ट इंजीनियरिंग करके मैंने अपना कैरियर पैकेजेस लिमिटेड से शुरू किया जब उसकी कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग बन रही exactly. थी। उस वक्त से आया, तो मैं पहली दफे चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी में 1974 में आया। okay. मैं तीन दफे एग्जीक्यूटिव कमेटी पे इलेक्ट होके आया, थे थर्ड टाइम मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट बना 89-90। तो 9 साल मैं कमेटी पे रहा और 9वां साल एज प्रेसिडेंट रहा। तो यहाँ भी मैं एज ए रेप ऑफ पैकेजेस ही आया था, क्योंकि मैं पैकेजेस का डायरेक्टर था पैकेजेस के बोर्ड पे। जी जी। तो मैं चेंबर आया, तो मेरी जो 55 साल का वर्किंग करियर है जी, उसमें 38 इयर्स तो मैं पहले पैकेजेस में रहा माशाल्लाह, और उसमें कोई 20 साल चेंबर के साथ गुजारे। पैकेजेस जो है वो भी एक पैकेजिंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन है, और डेफिनेटली पैकेजेस इज द कंपनी, सो ऑब्वियसली यू आर द पायनियर, यू बीन द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर द कंपनी। तो हाउ डू यू थिंक कि आप लोगों ने उसमें जितने रेवोल्यूशनरी काम किए? पैकेजेस एक डिस्टिंक्शन ये थी कि नॉर्मली दो चीजें इकट्ठी नहीं होती एक प्रेमिसेस में जी, कि आप पेपर एंड बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल फिर उसको पैकेजिंग में कन्वर्ट एग्जैक्टली exactly. तो एशिया में भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, पेपर मिलें बोर्ड में ज़्यादा हैं, पैकेजेस कंपनी ज़्यादा हैं, तो हमें एक ये बिल्ट इन एडवांटेज था कि वी वुड प्रोड्यूस व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग। एग्जैक्टली। तो ये एक एडवांटेज रहा। एक दूसरा जो हमारा थोड़ा इम्तियाज है वो ये है पैकेजेस में कि हमने कभी एक्सपीरियंसड आदमी हायर नहीं किया। ओके, न्यू पीपल। द एक्सपीरियंस वॉज ए नेगेटिव थिंग विद अस। अगर कोई बंदा आए कहे कि जी मैंने 10 साल मार्केटिंग की है या 10 साल प्रोडक्शन की है, तो क्योंकि हमारी कोलेब्रेशन स्वीट से थी फ्रॉम डे वन, वी वुड हायर यंगस्टर्स स्ट्रेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड ट्रेन देम द पैकेजेस वे, सो देयर वाज नेवर एनी डिस्प्यूट कि जी वहाँ ये होता है यहाँ ये होता है। बिकॉज योर पीपल वर ऑल सेल्फ सपोर्टेड एग्जैक्टली, सो दे वर नॉट हैविंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, तो वो पैकेजेस ने अपने लोगों को खुद से पॉलिश करके स्टार्ट किया, पैकेजेस खुद फिर अपनी ट्रेनिंग बड़ी एक्सटेंसिव करता था। ओके, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, और मुझे याद है आज तक कभी कोई शो इंटरनेशनल जो हो पैकेजिंग पे, जी जी, देयर ऑलवेज अ टीम फ्रॉम पैकेजेस विजिटिंग दैट, एंड दैट इज वेयर वी यूज्ड टू लर्न कि दुनिया में अब क्या हो रहा है, फ्यूचर क्या है, तो उसको इम्प्लीमेंट करते रहे हैं। दिस बीन ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी के पहले 38 ईयर्स पैकेजेस में गुजारे हैं। 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया, उस रिटायरमेंट एज पैकेजेस की आज भी 58 है सर माशाल्लाह। और आपने तो फिर स्टडीज भी, आपका इंजीनियरिंग से था बैकग्राउंड, फिर आपने प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट भी इटली और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी प्रॉब्ली आप लोगों ने डिप्लोमा एडवांस मैनेजमेंट पढ़ी, तो एग्जैक्टली जब आप इतना एक्सटेंसिव आप खुद स्टडी कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली थिंग्स आर इन अदर वे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? और फिर जो नए लोग आ रहे थे, क्या उनको भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी? जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सी मैं, मेरे बाद भी जो चार लोगों ने मुझे रिप्लेस किया इन द नेक्स्ट 20 इयर्स दैट आई हैव बीन अवे, वो दे वर ऑल होम ग्रोन। ओके, फैंटास्टिक। हाँ, सो वी, एक नेगेटिव चीज़ होती थी कि जो अपना नंबर टू नहीं ट्रेन करता था, वी इट वाज नॉट कंसीडर्ड गुड फॉर हिम। एग्जैक्टली, बिकॉज़ एजुकेशन का पर्पस ही है टू स्प्रेड इट।
आप अपनी रिप्लेसमेंट भी खुद ट्रेन करें. उसके बाद चेंबर में मैं जब आया तो यहाँ मेरा एक्सपोजर टू बी ऑनेस्ट बाहर की दुनिया से हुआ. बाहर निकले, बिजनेस कम्युनिटी के लीडरान जो थे उनसे मुलाकात हुई, बैंकिंग सेक्टर स्पेशली, क्योंकि हमने तो कभी पैकेजेस में बैठ के सोचा ही नहीं था कि बैंकर के पास जाना है. तो ये एक्सपोजर हुआ डीलिंग विद द गवर्नमेंट एट ए हायर लेवल ऑन नेशनल इश्यूज. अपने इश्यूज तो हम करते रहे हैं सारी उम्र, जब भी गवर्नमेंट से जो इशू होता था, लेकिन एट द नेशनल लेवल. तो ये चैम्बर की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी. दैट इज वेयर आई लर्नड अ लॉट. Okay. Or, so chamber must have learned a lot from you, because everybody, every second person related to chamber, they talk so high about you. So the point here it is ke bahut se log hain jo apne motives leke aate hain, koi bhi chamber ko represent kar rahe hote hain for a year or whatever the tenure is, to us tenure mein unki representation hoti hai. To aapne business community ki prosperity ke liye kafi jab main aaya to thoda sa objective different tha. There was two school of thought at packages. Okay. Should I take over the this presidency of the chamber or not? Okay. To ek school of thought ye tha ki we owe it to the community. All right. Ki we must go and serve the community also. Mm-hmm. To us humne predominant wo tha, to us point of view se main chamber mein jab aaya, क्योंकि मुझे अपना कोई सरकार का कोई दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं थी. क्योंकि एक रूटीन था हमारा जिसमें हम काम कर रहे थे जी. लेकिन वो आके यहाँ मैंने अपने कुलीग के साथ शेयर किया, इनसे बहुत सारा कुछ मैंने सीखा, इन्होंने मुझसे सीखा जी. तो वो सिलसिला चलता रहा. तो मैं 89-90 के बाद वापस अपना काम पे पैकेजेस में रहा. लेकिन उस मुझे जो पर्सनली फ़ायदा ये हुआ कि जब भी मैं गवर्नमेंट की कोई असाइनमेंट मुझे मिली जी जी, उसमें टॉप पे होता था कि पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर चैम्बर. ओके. मुझे याद है जो पहली असाइनमेंट मुझे मिली पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड की जी, उस वक्त शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे. ओके. तो नेक्स्ट हेडलाइन ये थी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर चैम्बर टेक्स ओवर एज चेयरमैन पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड. तो नेक्स्ट होता था कि ये पैकेजेस ने इसने सारी जिंदगी गुजारी. सर अपने तो चैम्बर का मुझे एडवांटेज भी रहा, क्योंकि ये लाहौर चैम्बर बड़ा इस लिहाज से बाकी सारे चैम्बर से डिफरेंट है कि इसमें 50% इंडस्ट्री के लोग हैं, 50% ट्रेड्स हैं जी जी बिल्कुल. और हमें एक एडवांटेज ये होता है कि जो भी हम अपनी प्रपोजल गवर्नमेंट के पास लेके जाते जी, थे जी, जी. वो जब एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस होती थी तो उसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते थे. एग्जैक्टली, बिकॉज़ पैरेलल का मैन्युफैक्चरर्स का उसको डिस्कस करके एक बड़ा बैलेंस्ड व्यू लेके हम हमेशा गवर्नमेंट में गए हैं जी, जी. और उसकी बड़ी प्रिजाई हुई है, क्योंकि लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद स्पेशली वुड ऑलवेज वेलकम प्रपोजल्स फ्रॉम लाहौर, क्योंकि उनको पता होता था कि इन्होंने थ्रेड बेयर डिस्कस करके लेवल्ड ओपिनियन लेकर आए, प्रपोजल लेकर आए. सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट. तो सर आपने जिंदगी के काफी चंक्स को और फिर लीडिंग चंक्स को माशाल्लाह एंजॉय किया, तो आपको कैसे लगा कि क्लाइजोन क्रिएट हो गया एलसीसीआई के पैनल से, फिर आपकी पैकेजिंग की जो पैकेजेस की पूरी रिप्रेजेंटेशन थी, फिर उसके बाद आपका गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी जो रबते और तवसत रहे उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे. मैंने जब रिटायर हुआ पैकेजेस में एट द एज ऑफ 58, तो मुझे उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे मियां शहबाज साहब, उन्होंने कहा कि तारिक हमीद तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी खिदमत कर ली है जी. अब कम एंड वर्क फॉर द गवर्नमेंट. ओके. सो दैट वाज द चैलेंज गिवन टू मी व्हिच वी एक्सेप्टेड. और फिर मैंने पौने दो साल शहबाज साहब के साथ काम किया और ये नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी जी. उससे पहले प्राइवेटाइजेशन का कोई काम नहीं था. एंड आई लक वुड हैव इट, चारों प्रोविंसेस में सिर्फ पंजाब ने ये काम किया, बाकी तीनों प्रोविंसेस ने नहीं किया. तो उसका ये मुझे मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड प्लस मेरी मैनेजेरियल स्किल्स जो मैंने थोड़ी बहुत सी डेवलप की थी, दोनों मिलके मुझे उसमें बड़ा फायदा रहा. सर क्योंकि मैं इंडस्ट्री को
जब प्राइवेटाइज किया तो आई न्यू व्हाट आई एम डूइंग. जब प्रॉपर्टी बहुत सारी थी उस वक्त उस जमाने में, खास तौर पे ये लाहौर एलओएस की जो थी प्रॉपर्टी, ऑल ओवर पंजाब स्प्रेड आउट थी. एक प्रिंसिपल साहब बगैर देखे कोई चीज नहीं बेची कभी. सर सर दैट्स अमेजिंग. आपसे बातों का जी जी हमेशा विजिट किया, देखा, उसके बाद उसको टेक अप किया फॉर प्राइवेटाइजेशन. तो उस बैकग्राउंड से बाद जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई माशाल्लाह लगा 99 में, तो 3 माह के बाद आई वाज कॉल्ड एंड गिवन द असाइनमेंट के जो सिख इंडस्ट्रीज की रिवाइवल का. ओके सर, ये सिख इंडस्ट्री और प्राइवेटाइजेशन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे. यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. और तारिक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है. डेफिनेटली उनसे हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डिग आउट कर रहे हैं और डेफिनेटली वुड लाइक टू रिवील मोर ऑफ द थिंग्स. और सर से हम बात करते हैं और पूछते हैं, सर प्राइवेटाइजेशन का जो था वो आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन शुरू की थी, हाउ डू यू थिंक दैट वाज नेसेसिटी ऑफ द टाइम और व्हाट एग्जैक्टली? मेरा ख्याल है वो जरूरी था जी, क्योंकि मैं तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आया था जी, तो मेरी तो ट्रेनिंग ये थी और मेरी अपनी फिलॉसफी भी यही थी कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी डूइंग थिंग्स जो प्राइवेट सेक्टर बेहतर कर सकता है. तो उसी फिलॉसफी के तहत पंजाब का प्राइवेटाइजेशन बोर्ड बना, पंजाब की जो इंडस्ट्रीज थी उसको भी प्राइवेटाइज किया, पंजाब के और जो एसेट्स थे मोस्टली वो लैंड थी और स्पेशली बड़ी प्राइज लैंड इन दी लार्ज सिटीज ऑफ पंजाब उनको प्राइवेटाइज किया. तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस और मुझे उस वक्त सपोर्ट भी बड़ी मिली गवर्नमेंट से, सारे मेरे साथ थे. मेरा उस वक्त तक गवर्नमेंट का तजुर्बा कोई नहीं था. दिस वॉज माई फर्स्ट जम्प इन टू दिस सरीना एंड गॉड हैज बीन काइंड. मेरी माँ की दुआएं, तो ये मेरे हिसाब से मैं कामयाब रहा क्योंकि और किसी प्रोविंस ने ये काम नहीं. जी सर, आपको कैसे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ने बिजनेस कम्युनिटी को या कॉमन मैसेज को किस तरह से फैसिलिटेट किया? बिकॉज एट द डे एंड हमारा पर्पस तो ये होता है कि हमारी जो मैसेज है, मैंगो पीपल है, उनको किसी तरह से फैसिलिटेट करा जाए. नहीं, उसमें फैसला यही हुआ था ना कि जो इंडस्ट्री थी जी, जो प्राइवेट सेक्टर में गई जी जी, और उस जमाने में बड़ा कंट्रोल था ऑन दी न्यू बायर. ओके, कि उसने आदमी रिड्यूस नहीं करने जी जी, उसने आदमी फारिग नहीं करने, अगर करने हैं तो देयर वाज लॉट ऑफ बेनिफिट जो अक्रू किया हुआ था लोगों का वो दे के फिर फारिग कर सकता था. ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा कवर्ड था कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशंस बड़े अच्छे थे जी जी. और एम्प्लॉई के सारे जो उसकी थी रिक्वायरमेंट्स वो सारी कवर्ड थी उसमें सारा. दूसरा ये हो गया कि गवर्नमेंट को लॉट ऑफ मनी केम इनटू द किटी व्हिच दे कुड स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल रादर देन मनी स्टक अप इन दोज एरिया. प्रॉफिट तो वहाँ बड़ा थोड़ा आता जी, था जी, जी. लेकिन जो पैसा जब रिलीज हुआ जी, वो दे कुड स्पेंड ऑन हेल्थ, दे कुड स्पेंड ऑन एजुकेशन, ये उनका कारोबार उसमें काफी इस्तेमाल हो सकता था. सर, उसने बिजनेस कम्युनिटी को कैसे सर्व किया प्राइवेटाइजेशन ने? बिजनेस कम्युनिटी को यही सर्व किया कि बिजनेस कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन्होंने ही वो इंडस्ट्री खरीदी और जो स्मॉल टाउन्स थे उसमें जो प्रॉपर्टीज थी वो लेके लोगों ने उसको फिर डेवलप किया. उसमें शॉपिंग मॉल्स बनी, उसमें प्लाजाज बने, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर था उसका काफी. बाद में भी कॉमन इवन टुडे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको फॉलो अप कर रही है. तो सर उसके बाद फिर जब मार्शल लॉ का फेज आया, सो यू वर रीअसाइंड फॉर दिस. आई वाज रीअसाइंड. मुझे उन्होंने कहा कि तेरा जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का प्लस ये प्राइवेटाइजेशन पुट टुगेदर, तो मुझे रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन दी गई जिसको CIRC कहते हैं. तो उसको तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पहले उसका लॉ बनाया, लॉ अप्रूव हुआ, फिर उसको सेटअप किया. तो वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टिंग हैड ए सनसेट क्लॉज. ओके, एंड व्हाट्स दैट? कि 6 साल के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप हो जाएगी. ओके, पहले दिन जब ये लॉ बनाया जी, आई वाज वेरी क्लियर कि ये ना हो कि अगले 50 साल यही चलती रहे. एग्जैक्टली. तो विद दी देन प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर मेरे लीडर होते थे फेडरल के, तो वी डिसाइडेड कि वी पुट इन ए सनसेट क्लॉज इन दी लॉ. ओके, कि 6 साल के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप हो जाएगी. ऑलराइट. तो जो जो इंडस्ट्री जो एसेट्स इनको असाइन हुए जी जी,
उनको इस तरह नए ओनर्स को बायर्स को दिया गया कि उनको वो रिवाइव कर दें. एग्जैक्टली. और उसकी वजह से बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट हुई जी. बहुत सारे पैसे जो गवर्नमेंट के फंसे हुए थे एसेट्स में वो रिलीज हुए. और उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ये हुआ कि वो भी पैसे जब बैंकों के डूबे हुए वापस निकले तो देट वॉज अगेन ए गुड एक्सपीरियंस. और क्योंकि शुरू से स्टार्ट ही किया था तो उसका और मजा होता है कि अब आप काम बिस्मिल्लाह करें. दोनों डिफरेंट फेजेस को रिप्रेजेंट करने में व्हाट वाज द डिफरेंस? एक प्योरली कॉमर्स था. दोनों में आई वाज लकी दैट इन बोथ द केसेस मुझे एक तो जो मेरा एम्प्लॉयर था, लेट मी पुट इट दैट वे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, दे हैड कॉन्फिडेंस इन मी कि तारिक मीर जो काम करेगा वो गलत नहीं करेगा. तो मेरी पहली कोशिश ये थी कि मेरा कॉन्फिडेंस मैं उनका शैटर ना करूं. Exactly, तो मैं अपने आप पे, मेरी अपनी जात पे बड़ा कंट्रोल होता था. और उसके बाद तजुर्बा जो गवर्नमेंट का है वो यही है कि गवर्नमेंट में ज़्यादा एम्फोसिस जो है वो पेपर वर्क पे होता है. ओके. तो मेरी क्योंकि बैकग्राउंड डिफरेंट थी, मैंने 38 ईयर्स फील्ड में काम किया, फैक्ट्री फ्लोर पे काम किया हुआ था. right, sir. तो मेरी तसल्ली नहीं होती थी जब तक मैं चीज़ें खुद ना देखूँ, खुद ना जाऊँ सारा. तो ये सारा पुट टुगेदर आई इवन एंजॉयड माई वर्किंग विद द गवर्नमेंट. मेरे देवर पीपल वर काइंड टू मी, लेट पुट इट दैट वे. मैं जो भी मेरी So that's your humbleness there. You always given reward to the people around, but definitely people learnt a lot from you. Or फिर अगर आपको reassign किया जाता है किसी भी project के लिए, so obviously there is a potential with for the person who actually is doing that. So आपने उसको deliver किया तो आपको वो opportunity पे assign किया गया. हाँ नहीं, God has been kind. God has been Sir. Kind to me. के जहाँ भी गया, जी. People had confidence and जैसी ऐसी असाइनमेंट मिली जो मैं कभी सोच नहीं सकता था. सर पैकेज में बैठे कभी फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का बना, पंजाब का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, पंजाब का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मेरे पास 6 मिनिस्ट्रियां थी 1.5 साल में. जी जी. तो यही सर सबसे चैलेंजिंग क्या लगा? नेक नीति से काम करना था जी. सबसे चैलेंजिंग काम जो है वो वाडा का था जी. आप वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं. 4 साल मैंने वहां गुजारे जी जी. और उस वक्त पावर एंड वाटर विंग दोनों इकट्ठे थे. सर ये बड़ी की पोजीशन है और थी भी, और जब आपने किया तो सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग थी. आई वाज द लास्ट बिकॉज़ हम बहुत क्राइसिस शुरू से देख रहे हैं और आपने काफी उसकी प्रेडिक्शंस भी. आई वाज लास्ट चेयरमैन जिसके पास दोनों पावर एंड वाटर का था. वाटर एंड पावर जी बोथ. तो आईपीपीस नई नई शुरू हुई थी 2004 onward. Mm-hmm. 2007 में मैं जब गया तो सारी IPPs ऑपरेशनल थी. Okay. जो बड़ा प्रोजेक्ट उस पर आया गया मैं वो गाजी भरोता का था, हाइड्रल का था, 1450 मेगावाट कैपेसिटी का. सर उसमें मेरे पहले 3 साल बड़े अच्छे गुजारे. ओके. बट वी वर ऑलवेज मेकिंग अ फोरकास्ट 2007 onward. जी आप काफी आगाही देते रहे हैं इस चीज के बारे में. 2005 onward. जी जी. We've been telling the government के 2007 के आखिर से लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड एज लक वुड हैव इट वो 2007 का आखिर जो था वो इलेक्शन इलेक्शन पीरियड भी था वो. जी जी. क्योंकि 2002 में पहले इलेक्शन हुई थी, फिर 2007 में दोबारा इलेक्शन ड्यू थी. तो वी वर फोर वार्निंग. उस वक्त तक वाबडा का रोल इतना ही था कि वाबडा पॉइंट आउट करे ये जिम्मेवारी जो थी PPIB की थी नए प्रोजेक्ट लगाने जी, और उनको आगे ले जी, जी. तो सर वो क्राइसिस तो हम अभी भी ऑलमोस्ट देखते हैं. ये पिछले कोई एक साल में थोड़ा सा टेन्योर में जो इन्होंने नए पावर प्लांट्स लगाए और फिर बिजली जनरेट की, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ तो मिला, बट स्टिल वी आर गेटिंग बैक टू द पॉइंट. सो वेयर डू यू सी कि हमारी ये वाटर एंड पावर की जो खपत है ये कब तक है, कैसे है? जो पिछले 10 साल जो गुजरे हैं जी, समझ लें 2007 से लेके जी नहीं 2012 तक का पहले पांच सालों में जी. जो पाइपलाइन के प्रोजेक्ट थे वो आए प्रोडक्शन में जी. एंड मोस्ट ऑफ देम वर बेस्ड ऑन गैस एंड ऑयल. और ये हम द चाइनीज हेल्प
जो हमारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं इसमें कुछ $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पावर विंग में है। अच्छा। और इसमें से कुछ 10,000 मेगावाट तो ऐसे हैं जो अगले 3 माह में समझ लें जब मिडिल ऑफ 2008 तक 10,000 मेगावाट ऑपरेशन होगा। और इसमें कोई पंजाब का 5,000 मेगावाट है, 3 हैं हमारे LNG के और 1 कोल का, 4 प्रोजेक्ट 1200-1250 मेगावाट के 5,000 मेगावाट जी ये पंजाब के हैं। और बाकी सारे मिला के कंट्री वाइड इसमें हाइडल के भी हैं, नीलम झेलम है, Tunnel 4 है तबेला की। तो जहाँ तक अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है जी वो बड़ी ठीक हो जाएगी, उसमें शॉर्टफॉल नहीं होगी ऑन दी प्रोडक्शन साइड। ट्रांसमिशन में भी ये काफी काम कर रहे हैं जी। यहाँ से थोड़ा सा मसला आ रहा है वो है लॉसेस का और रिकवरीज का जी। सर इस पे डिटेल से आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, बट आपकी कथा कलामी के लिए माजरत, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा से आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, वेलकम बैक। हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे कि वाटर एंड पावर सप्लाई जो है उसको हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है और क्या हम इस पे ओवरकम कर सकेंगे या नहीं। हमारे साथ तारिक हमीद साहब जी। सर हम बात कर रहे थे कि इसके जो प्रोडक्शंस आप बता रहे हैं फॉर पंजाब एंड फॉर कंट्री वाइड, हाउ डू यू सी दैट? जहाँ तक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी है वो तो मिडल ऑफ द ईयर अवेलेबल होगी। ओके, कोई शॉर्टेज नहीं होगी। मुझे जो थोड़ा जाती तौर पे कभी कभी डर लगता है वो ये है कि ऑन दी लॉसेस, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करें अगर परसेंटेज ऑफ लॉसेस वही रहे तो यू विल लूज मोर। एग्जैक्टली, इसी तरह रिकवरीज पे है, उसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा जी। वो अगर हो जाए तो फिर ये काम ठीक चलेगा, और खासतौर पर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कैपेसिटी अवेलेबल रहेगी। सर हम अपनी प्लांट नहीं लगाने पड़ेंगे, दे विल हैव एनफ अवेलेबल विद द सिस्टम। ओके सर, होता ये है कि वेदर, बिकॉज हमारा 7 to 8 months तो यहाँ पे समर्स में ही गुजर जाता है, तो उस प्राइम टाइम में लोगों को बहुत ज्यादा ये क्राइसिस फेस करना पड़ता है, तो व्हाट्स द रीजन? बिकॉज इंडस्ट्री की मैं अर्ज करूँ कि इस दफे जो 2 हाइड्रल के मेजर प्रोजेक्ट आने हैं, एक तो नीलम झेलम है जी, उसकी भी जो टोटल कैपेसिटी है 1069 मेगावाट जी, वो समर में मिलेगी पूरी। अच्छा, इसी तरह जो गुड न्यूज बाय द वे, इसी तरह जो है हमारी तबेला की Tunnel 4 जी जी, वो मानसून के महीनों में फुल कैपेसिटी पे होगी बाय जुलाई अगस्त। तो ये जो हमारी I4C के कमिंग समर्स जो हैं वो इस दोनों में जो कोई 2500 मेगावाट एडिशनल होगी हाइडल की जी, उससे थोड़ी सी कॉस्ट भी कम होगी और उसकी वजह से कोई समर का जो पीक है वो गुजर जाएगा आसानी से। अच्छा, वेरी नाइस सर, ये तो लोगों के लिए बड़ी अच्छी और इंफॉर्मेटिव न्यूज है, बिकॉज हम हमेशा फोर्सी कर रहे होते हैं। बाकी जो है हमारी थर्मल का ज्यादा उसमें बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन कि LNG भी बाहर से आनी है, ऑयल भी बाहर से आना है, सारा इम्पोर्ट है जी, सारा है जी, तो उस पर लॉट विल डिपेंड ऑन कि कितने हम अपने लॉसेज कंट्रोल करते हैं और रिकवरीज कितना बेहतर करते हैं। तो सर हाउ वी गोना कंट्रोल दैट, बिकॉज़ मैसेज को तो सिर्फ अवेलेबिलिटी चाहिए, इट्स अ मैनेजमेंट इशू जी। तो आई एम श्योर अब जिसके भी हो जिम्मेदारी है उसके पास जी, वो इसकी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करके काम करेंगे। सर अभी आपने माशाल्लाह इतनी दफा इतनी ऑर्गेनाइजेशन इतनी मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट किया है, दोबारा से इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस की दोबारा से हम उसी आमद में है, तो हाउ डू यू सी दैट के वेयर दे आर लीडिंग एंड हाउ एक्चुअली वी कैन इंप्रूव समथिंग फॉर पाकिस्तान? मैं पर्सनली मुझे जो चीज़ बॉदर कर रही है वो हमारी एक्सपोर्ट है। ओके, तो एक इशू तो हमने रिजॉल्व कर लिया है कि कम से कम एनर्जी अवेलेबल होगी जी जी जी, दूसरा ये है कि इसकी कॉस्ट कम करनी है और कॉस्ट लॉसेस कम करने से और रिकवरी से हो जाएगी बेहतर, तो ये अगर एक फैक्टर हमारा अवेलेबल हो। जहाँ तक हमारी मैन पावर का तल्लुक है, वी हैव हेड ऑफ ए पोटेंशियल सर, हम दुनिया, अल्लाह ने हमारे इतनी मेहरबानी हम पे की हुई exactly, है। तो मैंने दुनिया के बहुत मुल्क फिर के देखे हैं हम जी। एक वक्त में अफ्रीका की 6 मुल्कों में पैकेजिंग प्लांट रन करते थे, तो हर दफ़ा जाता था तो अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने
हमें पाकिस्तानियों को ये कितना अच्छा ये आईक्यू दिया है और हिम्मत दी है काम सीखने की, काम करने की, कि हम सबसे बेहतर थे। तो जहाँ तक तो हमारी मैन पावर का तल्लक है, जैसे जैसे हम इनको ट्रेन करते रहेंगे दे विल बी अवेलेबल। एनर्जी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, उसी तरह अल्लाह ने हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है। आई एम थिंक विद दीज थ्री थिंग्स पुट टुगेदर और इनको प्रॉपरली मैनेज करने के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बहुत होना ज़रूरी है। थोड़ी सी वीकनेस रही थी कि शुरू में जो इंडस्ट्रीज हमारी लगी वो इनवर्ड लुकिंग थी जी, जी। कि जो इंडस्ट्री लगाते थे वो एक्सपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन थी जी, जी, जी। अब वो ट्रेंड चेंज करके कि आपने वो इंडस्ट्रीज लगानी है, वो कैपेसिटीज लगानी है ताकि आपके पास सरप्लस भी हो, आप एक्सपोर्ट भी कर सकें जी, जी। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सर उसके लिए गवर्नमेंट कितना सपोर्टिव होती है फॉर द एंड ऑफ एलसीसी ईयर? गवर्नमेंट मेरा ख्याल है अगले जो 4-6 माह इलेक्शन के हैं इसमें तो उनका प्रायोरिटीज थोड़ी सी डिफरेंट भी होगी, लेकिन यही अल्लाह के लिए दुआ है कि जो भी पार में आए बाद में जी। वो इस एंगल से देख के इसी से जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इसी से आपकी फॉरेन एक्सचेंज इम्प्रूव करेगी और इसी से एज ए कॉमन मैन जो है उसकी भी इम्प्रूवमेंट इसी से होगी। And I'm sure, I'm convinced कि अल्लाह ये जरूर करेगा हमारे सर ये इंशाल्लाह। माशाल्लाह आपकी पॉजिटिविटी है और आपका हमेशा डेडिकेशन टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस सेक्टर और इट्स गवर्नमेंट सेक्टर, तो आपने उसमें डेडिकेशन दिया तो आप हमेशा पॉजिटिव फोर्स ही करते हैं, बट चैलेंजेस तो फिर भी हमारे लोगों को बहुत से देखने पड़े। चैलेंजेस हैं, दैट इज द fun in it. Exactly. If there are no challenges, so you don't have the capacity to do that. आप ढीले पड़ जाते हैं। Challenge हो तो you are on your toes and you do a good job. Yes. And I'm sure, as I said earlier, मैं जब आप देखता हूँ कि आज का जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आता है वो मुझसे बहुत बेहतर है। मैंने जब 50 साल पहले किया है, आज अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में चले जाए उनकी लेबोरेटरीज उनके करिकुलम वो इतना एडवांस है कि हमें मुझे शर्म आती थी कि हमने क्या पढ़ा था और कैसी लेबोरेटरीज थी हमारी। सर बट ये आपका बड़ा पन है कि आप कह रहे हैं जो नया स्टूडेंट आ रहा है इंजीनियरिंग के भी जो ग्रेजुएट्स बाहर आ रहे हैं दे आर वेरी गुड। एग्जैक्टली सर दे आर, बट पीपल लाइक यू हु हैव बीन स्टडीइंग लॉन्ग ईयर्स अगो डेकेड्स इट्स बीन, बट आपने वो स्टडीज को किया कि मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन है उन सब स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हम थ्रेटिकल कर रहे हैं अनफॉर्चुनेट जो मुझे लगता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जो बाहर निकलते हैं आपको मैनेजरियल स्किल्स कोई नहीं होती। एग्जैक्टली बिकॉज आपने एक थ्रेटिकल स्टडीज की हुई है वो एक वीकनेस है जी। और अब एक और जो ट्रेंड शुरू हुआ है कि इंजीनियर MBA जी ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा लीथल है जी, जी। ये बड़ा लीथल है बिल्कुल ऐसे ये इस कॉम्बिनेशन के साथ यू आर प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड यू आर प्रोड्यूसिंग गुड मैनेजमेंट बेसिकली ट्रेनिंग है। और अगर हमारी नीयत ठीक हो और इस जो लोअर लेवल पे भी स्किल्स हमारी हो रही है जी। वो मुझे याद है हम पैकेजेस के साथ रिलेटेड एक हमारा अपना इंस्टीट्यूट होता था जिसमें हम साल के कोई 100 स्टूडेंट करते थे। उसको हमने उसको वाइंड अप किया जब पंजाब गवर्नमेंट 40,000 प्रोड्यूस करना शुरू हो गए। वेरी नाइस वेरी नाइस। उसको हमने किसी और काम पे ले गए, टीचर्स ट्रेनिंग पे ले गए। ये सोचा कि यार ये जो स्किल मैन पावर है हम 100 प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 40,000 उस वक्त करती थी, अब उससे भी बढ़ गए होंगे। तो वो जो हमारी है स्किल्ड मैन पावर प्लस मैनेजमेंट के रॉ मटेरियल which is both engineers, MBAs, masters, सारे मुख्तलिफ subjects के हैं, economist हैं सारे, तो ये potential is there. So potential is there. I'm so optimistic about us and our new generation as well. But sometimes I just feel there is a need of improvement for the common masses because अभी education का जो हमारा sector है वो loop उसका जो है ना वो हमेशा lose होता है। इस वक्त दो system चल रहे हैं। एक बच्चे जो है इंग्लिश वेरी हायर एंड एग्जैक्टली और एक को बेसिक स्टडीज भी नहीं मिल रहे। मैं हमेशा कहता था कि आवर एवरेज इज गुड जी बिकॉज़ व्हेन कंबाइंड टुगेदर जी आवर गुड इज वेरी गुड जी। जो हमारे एवरेज के बिलो है वो बहुत खराब है। एग्जैक्टली एंड दैट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड टू ब्रॉट इट टू द एवरेज लेवल। एवरेज हमारी और अच्छी होनी चाहिए। तो आई एम श्योर विद दिस कमिंग इलेक्शंस बिहाइंड अस जो भी इन पावर में आएगा विल put more emphasis on
प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, जॉब्स, और अल्लाह ने दोनों पोटेंशियल दे दिए हैं. अब रॉ मटेरियल हमारे पास है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो सकती है काफी, उसमें बड़ा पोटेंशियल है. 70% हमारा कंट्री डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर हमसे बहुत बेहतर है प्रोडक्टिविटी. वो इम्प्रूव हो सकती है, रॉ मटेरियल उससे बेहतर मिल जाएगा, मैन पावर हमारे पास है, एनर्जी का काफी सारी इन्वेस्टमेंट हो गई है. आई एम श्योर आई लुक एट इट पॉजिटिवली कि इंशाल्लाह we'll have good days. सर से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें तो चल रही है, जैसे पैकेजेस की बातें चल रही है, तो सर अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन पैकेजेस ने अपना पावर प्रोडक्शन जो है वो सिस्टम उसका किया, तो हाउ डू यू सी? हमने मिड 60s में जब अपना पेपर ऑपरेशन शुरू किया तो कंटिन्यूस ऑपरेशन है, तो वी कुड नॉट अफोर्ड के टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल, इवन एक मिनट के लिए भी बिजली जाए तो दो घंटे प्रोडक्शन के जाया हो जाए. तो वी स्टार्टेड जनरेशन आर ओन पावर, और साथ साथ वाबड़ा का भी ग्रिड था एज ए स्टैंड बाई. सर वो स्टैंड बाई ग्रिड तो था, बट वो एक्सपीरियंस हमारा बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि वी वर सेल्फ सफिशिएंट, और जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, हमने पावर प्लांट को रिप्लेस किया विद ए लार्जर कैपेसिटी. तो हम हमेशा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑपरेशन पेपर मेकिंग अपनी पावर प्लांट डिपेंड किया. सर बिल्कुल सही है, बट उसमें कुछ गवर्नमेंट के साथ भी कोई बाइंग सेलिंग का सिस्टम चलता था? उस वक्त ये अरेंजमेंट बाई बैक का नहीं था जी. वो तो अब गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया है, लॉ भी बन गया है जी, अब जी. तो आप सोलर वाला भी सोलर एनर्जी कर सकते हैं, सकते हैं बिल्कुल. तो उस वक्त नहीं था, बट वी वर सेल्फ सफिशिएंट एंड दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. So that's definitely, because if you have your backup and you're optimistic that it's one way assisting to the country as well, because हाँ उतना load वहाँ release share हो गया ना जी, share हो गया government का वापड़ा का उतना release हो जाता जी 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 sir. So inshallah we optimistic about that too, के हमारा future बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी. Sir thank you so very much for coming on the show, it's such an interesting conversation. I would like to prolong it, but unfortunately, due to the lack of time, we must have to wind up. But would like to invite you some other time again for the show, for the information and the guidance of the people. Bahut shukriya aapka. Thank you for this opportunity. Thank you very much. Thank you so very much. तारिक हमीद साहब हमारे गेस्ट थे और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत सी बातें शेयर की, और हमारी जनरेशन और पाकिस्तान के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. स्टे पॉजिटिव अबाउट द कंट्री एंड कीप वर्किंग फॉर इट. अल्लाह हाफिज़.